माता जी अरस-परस बात करते थे। अरस-परस बात करती, माता जी भोपा जी वापे बात करे रिया ने, अरे जी ये बात करती, ये तो कल जो गया ने ये टाड़ा लीजो है, मैं खुद अनोरी भाषा हुनी और ये भोपा जी माता जी आप खुद। हाँ मैं खुद हुनी और माता जी की भाषा। हाँ माता जी की भाषा आवाज आपको आई। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं हमेशा आपको जंगलों और पहाड़ों में साधु संतों के दर्शन करवाता हूं, और आज उसी कड़ी में मैं आपको सिरोही डिस्ट्रिक्ट के एक चामुंडा माता का मंदिर है अंदर बड़गांव के पास आया हुआ है, तो वहां लेके आया हूं। तो चलते हैं, वहां भी एक संत जो है काफ़ी समय से वो मंदिर के ऊपर ही रहते हैं, न तो वो नीचे आते हैं, और अवस्था भी है उनकी तो वो वहीं रहते हैं, तो उनके दर्शन मैं करवाऊंगा और साथ में आपको जो ये चामुंडा माता का मंदिर है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब चलते हैं ऊपर। ये जो मंदिर है ऊपर आया हुआ है, और संत जो भगवान है जो वो यहाँ बीच में इनकी कुटिया है वहाँ रहते हैं, तो पहले संत भगवान के दर्शन करवाएंगे और उसके बाद में आपको माता जी के भी दर्शन भी करवाएंगे। तो चलते हैं अब ऊपर। तो दोस्तों ऊपर कोई श्रद्धालु और भी कई लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। देखो बाबा जी ने किस तरीके से ये बगीचा जो लगाया, कैसे इस बगीचे को दिखा, ये बगीचे में पपीता वगैरह और बैंगन वगैरह, और ये यहाँ छोटा सा एक गार्डन टाइप का बनाया है, और पीछे ये देख लीजिएगा, ये जो है ये बाबा जी का जो यहाँ कुटिया है, और ये ऊपर जो है वो मंदिर है चामुंडा माता का, और पास में गन्ने का भी एक पौधा लगा रखा है। वैसे दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी पानी की कमी रहती है, और उस वजह से क्या है कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में पौधे बहुत कम पनपते हैं, फिर भी साधु जो है यहाँ रहने वाले वो काफ़ी मेहनत करके ये पौधे वगैरह, ये देख लीजिएगा आप, वो नीम जो है पत्थर के अंदर है, जिसको मैं आपको ऊपर चल के भी दिखाऊंगा। केशव ऊपर चलते हैं, और ऊपर ये देख लीजिएगा कि इस तरीके से दोस्तों ये जो है पत्थर के अंदर ये नीम जो है, केशव जरा थोड़ा दिखा ना इधर से, तो ये पत्थर के एकदम नीचे ये नीम आप देख सकते हैं, और उधर भी ये पत्थर के अंदर ये जो है आप देख लीजिएगा, और ये ऊपर जो है स्थान माता चामुंडा का है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ काफ़ी लोग आते भी हैं, और ये देख लीजिएगा कुटिया है, और यहाँ बैठने वाले संत जो है झालाराम जी महाराज जो यहाँ बैठते हैं, और ये देख लीजिएगा उनका ये रसोड़ा, ये यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरीके के। हम भी दोस्तों आए तो आते ही पहले बाबा जी ने हमको ब्लैक टी पिलाई, बिना दूध की चाय जो हमेशा जंगलों में मुझे मिलती है ज़्यादातर जगह, तो ये चाय पिए, और महाराज श्री ऊपर गए हुए हैं तो अपन भी चलेंगे ऊपर। दोस्तों देख लीजिएगा ये पहाड़ी है, और पहाड़ी पर ही कबूतरों को चुगा देने का स्थान है, और ये जो रास्ता है अब माता जी के ऊपर जाने के लिए, ये जो स्थान है आप देख सकते हैं, और आपको ये दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सामने जो पेड़ भी लगा हुआ खजूर नारियल का है, और पास में बड़का भी है और नीम भी दिख रहा है। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर। दोस्तों तो ये भी स्थान है, तो पहले सिर नवाते हैं फिर चलते हैं आगे। दोस्तों तो ये जो स्थान है देख लीजिएगा, ये ऊपर जो है गुफा आई हुई है, तो कैसे दिखा ये गुफा है, और इससे ऊपर एक और गुफा है, और ऊपर का जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये चबूतरा वगैरह है, ये क्या मालूम क्या है, ये तो बाबा जी को पूछने से ही मालूम होगा। और इसके बाद में अब मैं आपको माता चामुंडा के जो है दर्शन करवा रहा हूँ। तो ये जो है माँ चामुंडा का मंदिर है, और यहाँ मैं
आपको लेके आ गया। और ये माँ चामुंडा, माता चामुंडा का है। और ये स्थान दोस्तों आप देख लीजिएगा। और ये बाबा जी है, तो बाबा जी को भी प्रणाम करते हैं। बाबा जी मंदिर बारे में कोई बतावा, ओ मंदिर कदो को है, आप अटे कते टाइम थे हो? मंदिर तो है के तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है के आ है ने अपने आ कॉलोनी कोई कोई नीति थी जनती हो तो बहुत पुराना हो, 200 वर्ष की पहला। अच्छा अच्छा बे साल थी पुराना है, पुराना है। अच्छा वो चलचूर हुएन, वो चलचूर का कण की जोड़ हुएन, कण रोप लेगी पुराना होता हिजोड़ो तो। अच्छा कोई यहाँ कोई झाड़ हाड़ कोई नहीं तो अच्छा। एक पुराना हिजोड़ो हुआ तो सोया नाम करे न तो कोई जाते बन हिजोड़ आ रही। अच्छा पते वर्ल्डलैंड बिजन बाद में लगा, ये तो बाद में मैं आई, बाद में हुआ आपने लगाए। हाँ ये तो है। तो दोस्तों ये जो बड़ मैंने अभी आपको दिखाया वो बाबा जी की देन है, जो बड़ और ये जो हरियाली और हरी भरी और जो आप पत्थर में अभी मैंने आपको नीम वगैरह दिखाया। दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ जो भी संत जो है ये मारवाड़ क्षेत्र है तो इनको हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको थोड़ा मारवाड़ी में समझना पड़ेगा। और वैसे तो मैं आपको थोड़ी बहुत हिंदी करके समझा ही रहा हूँ, तो आप और वैसे बाबा जी सुनते थोड़े कम हैं, थोड़ा ऊँचा सुनते हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ी ये ध्यान रखिएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई देवलोक भैया ने 28 साल हुई है। अच्छा कौन से महात्मा थे पहले? ये केसरपुरा का मैना था। अच्छा तो पोतरा ऊपर लेख लिखियो दो या वो बटन नीचा है। अच्छा नीचा समाधि। हाँ तो लेख लिखियो दो बेटा डारा बोबा माता जी अपनी बात कराने की बोबा माता जी बात करता। अच्छा यूं माता जी अरसपरस बात करती? अरसपरस बात करती माता जी ने बोबा जी अपनी बात करे रिया ने। अरे जी ये बात करती, ये तो कल जो गया ने ये टाड़ा लीजो है, मैं खुद अनोरी भाषा हुनी हो रही है ने बोबा जी माता जी। आप खुद? हाँ मैं खुद हुनी हो रही माता जी की भाषा। हाँ माता जी की भाषा आवाज आपको आई? हाँ। तो आपको क्या कहा माता जी ने? आपको माता जी ने क्या कहा? हम वो माता जी तो खुद तो कह दिया भैया नहीं, आप आपने माता जी आवाज आई तो माता जी क्या किया आपने? माता जी क्या किया कि बेटा कोई अटे है नहीं। हाँ। कोई रहने वाला नहीं है यार, अटे ओली दोली निगरी बची। अच्छा रात रात रहने वाला नहीं तो अकेला था। आप एकला? हाँ भोपा जी ये एकला था। ओ या कॉलोनी फॉलोनी अपने बड़गोम ठेठ एकली नाते है नी। हाँ बटे है दो तो। अच्छा कोई नीति थी गणेश कॉलोनी नीति थी ये थे, कोई नीति खेतर पड़ गया था धन टाइम में भोपा जी थे अकेला बेटा। ये माता जी जो मेलो वो अभी आए थे जो मेलो थे फुल मेलो में तो फुल लोग आते। हाँ वन टाइम में फुल मेरा बेटा, हम तो घर घर भोपा घर घर भोपी है ने अपने बे अन प्रपणे। बाबू जी आपने अटा कते टाइम हुई? मने इतनी साल हुई है कि वो 28 साल तो उन्होंने बुया ने। हाँ जेनोन एक टके एक गरीब बैठा ही हो तो। अच्छा तो मैं तो वैसी अब जावो करता। अच्छा जोला से? हाँ अपने जोगापुरा से आवाज आवा करते। आवाज आवा करते उन्होंने हम बार तो उजाड़ा में दो दारा चार दारा थे रही करे पालन पोषण ने पात्र था तो पे देवलोक हुआ बेटे लास्ट में बोल के निकली माता जी आज भोपारा शरीर मेली मुँह नीचे उतरो मुँह पाचे नहीं आवो अनिस भोपा शरीर माते आवे मन करो न्याम ने करो वो ठाको भोपो तो वो हम्बाल नो है थने। आपने कियो? हाँ हम्बाल नो है थने। अच्छा जदी थी हम्बाल रिया। हाँ यानी 28 वधारे साल हुआ।
ये तो मन तो है वो घनी उम्र है हरी जिंदगी मारी चीज है। आपकी उम्र कितनी भाई? मारी उम्र है 70 महीने जो 70 तो कम से कम 10-15 साल रह गई हो जेटे आवना चालू हुआ। हां चिन्नू में मो थो ना चिन्नू का 37 मटे अंठ पणे आयो पश्चिम 37 तक। हां जदी यानी करीबन 40-45 साल भी गया 40-45 साल से। दोस्तों ये जो महात्मा है जो ग्रस्त है, ग्रस्त हो ना बाबू जी? ग्रस्ती है ना आप? नहीं हो। ग्रस्ती नहीं हो? नहीं हो। तो ग्रस्ती भी नहीं है और ये यहाँ आके माता जी की सेवा पूजा करते हैं और माता जी इनसे एकदम आमने सामने बात भी कभी कभार करती है ऐसा बाबा जी बताते हैं। बाबा जी माता जी कभी कभी तो बात करेगा तो दोस्तों ये यहाँ के संत हैं, यहाँ के पुजारी हैं, जो कुछ भी आप समझो तो जालाराम जी नाम है। और बाबू जी आप रे हटे पछे व्यवस्था की करा ले खावा पीवा रो बीजू है पछे लावे दात्रु है यो। हां ये व्यवस्था करे माता जी दिन दिन माता जी मन दिए। अच्छा दोस्तों देख लो है? ये गांव से ज्यादा दूर भी नहीं है लेकिन गांव वाले भी इतनी कोई व्यवस्था नहीं करते। आजकल सिटियों के आसपास में जो मंदिर ऐसे इस तरीके से होते हैं तो आप लोगों से भी ऐसी मैं गुहार लगाता हूँ। मैं तो अपील तो हर जगह करता हूँ कि दोस्तों जितना हो सके अपने सनातन धर्म के लिए ऐसे साधु संत जो ऐसे पुजारी है जो अपने धर्म स्थानों को लेके रक्षा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, बैठे हैं अकेले, तो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत अंश अपने अगर निकाल के इनकी सेवा में भेंट कर दिया जाए तो इससे बड़ा कितना बड़ा पुण्य का काम होगा ये आप ही सोच सकते हैं। और रही बात हमारी तो हम वैसे जो करना होता है हम तो करते ही हैं लेकिन हम वीडियो में बताने का हमारा काम नहीं है। और आप लोग भी अगर कोई करना चाहे तो वीडियो में तो मैं दिखाने वाला हूँ नहीं। हाँ अगर आप कहोगे कि भाई आपने किया या नहीं किया तो मैं बाबा जी से सामने आपको वीडियो कॉलिंग करवा दूंगा या फिर आपके सामने बाबा जी के सामने जो कुछ भेंट आपकी होगी वो पहुँचाते हुए का वीडियो आपके पर्सनल नंबर पर मैं भेज दूंगा। अब मैं आपको बाबा जी का नीचे जो है जहाँ बाबा जी रहते हैं अभी बाबा जी ऊपर आ गए और मैं अभी आपको चाय पिलाने वाली जगह पे लेके गया था तो वो रूम बंद था तो मैंने बाबा जी ऊपर होने की वजह से वो खोल के बताया नहीं। तो बाबा जी कैसी जगह रह रहे हैं वो भी मैं कुटिया आपको अंदर से दिखा देता हूँ। चलते हैं फिर वीडियो वहीं मैं समाप्त करूँगा। तो दोस्तों ओ बाजी ये कबूतरों रे कबूतरों के तो ये कौन लाता है? ये ते आया तेल लेने आया। अच्छा कोई भी बैठे नहीं आ कोई आया तो उन्होंने बोला तो भैया ते दाना दे अरे ठीक भाई तो वे दाना दी पानी जा रहे तो बाजी वो पानी कितने आवे वो बोर लगाई हो तो वहां से पानी आता है। हाँ और ये पानी पानी जब पार्टी हुई पार्टी वे करे पार्टी तो हमें बता लोग से खादी करे। अच्छा अच्छा तो नहीं। अच्छा तो दोस्तों देख लीजिएगा कितनी इस उम्र में 70 वर्ष की उम्र है और बाबा जी शादीशुदा है नहीं बाल ब्रह्मचारी है और यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं तो देख लीजिएगा। और अब मैं बाबा जी का जो है अंदर का जो शयन का वो है वो भी मैं बताऊंगा। बाबा जी खुद अपने हाथ से खोल रहे हैं तो ये देख लीजिएगा ये कुटिया ये बाबा जी की कुटिया है दोस्तों ये तो देख लीजिएगा ये बाबा जी के ओ ये देख लीजिएगा ये बाबा जी यहाँ जो है रहते हैं रात को यहाँ सोते हैं। और अभी हम आए तो आपको दिखा दिया था कि यहाँ बाबा जी
हमको पहले चाय बना के पिलाए और वो भी ब्लैक टी, और मैंने यहाँ आपको बोला भी था। तो अब दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को अब करते हैं यहीं विराम देते हैं और आपसे लेता हूँ मैं विदा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।